नाक मलते हुए जैसे ही बाहर आए तो उनकी नजर गुफा के बाहर सोए पड़े लकड़बग्घे के बच्चे पर पड़ी। शेर राज को जोर से उबासी आई तो उनके मुंह से गर्जना सी निकल पड़ी। शेर राज की गर्जना सुनते ही लकड़बग्घे के बच्चे की नींद खुली। वो घबरा गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पूरे दिन शिकार की तलाश में घूमते हैं, पर कोई शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। उस रात शेर राज को भूखा ही सोना पड़ता है। सवेरे सवेरे वे जैसे ही गुफा से बाहर निकलते हैं, एक बार फिर उनकी नजर गुफा के बाहर सो रहे लकड़बग्घे के बच्चे पर पड़ती है। उनके पेट में जैसे ही डकार आती है कि लकड़बग्घे के बच्चे की नींद खुलती है और वो शेर राज को देखते ही वहाँ से सरपट भागता है। तभी दूसरी तरफ से सियार वहाँ आता है। शेर राज की जय हो। रात कैसे गुजरी महाराज? भूखे पेट नींद नहीं आई, आज तो एनी हाउ शिकार करना ही पड़ेगा। तो चले महाराज। और कल की तरह आज भी शेर और सियार अपने ही नहीं पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, मगर कोई शिकार उनके हाथ नहीं लगा। आज फिर शेर और सियार को खाली पंजे लौटना पड़ा। महाराज, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल की खाक छानने के बाद भी पंजे और जबड़े में कुछ नहीं लगा। हाँ, लगता है आज की रात भी भूखे पेट ही गुजारनी पड़ेगी। फिर उनकी नजर गुफा के बाहर सो रहे लकड़बग्घे के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वो छूटने के लिए कुकू करता मचलता है, पर सियार उसे नहीं छोड़ता है। ये देख शेर पूछता है, सियार ये क्या कर रहे हो? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि इतनी दौड़ धूप करने के बाद भी अपने इतने बड़े जंगल में ही नहीं पड़ोस के जंगल में भी कोई शिकार हाथ क्यों नहीं लगा? क्यों? इसकी मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हो और पूरा दिन मनहूसियत में गुजर जाता है। और ये है कि कमबख्त आपकी गुफा के मुहाने पर ही आकर सो जाता है। तुम सही कह रहे हो सियार, इसे हमारी गुफा में कैद कर दो, हम इसे इसकी मनहूस शक्ल की सजा देंगे, हम इसी का शिकार करके खाएंगे। अरे ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। हाँ, लगता है वो मुसीबत में है। आवाज शेर राज की गुफा की तरफ से आ रही है। चलो। शेर राज, हमने अपने बच्चे की आवाज यहाँ से सुनी। अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल के माँ बाप। मनहूस शक्ल? हाँ, दो दिनों से महाराज उठते ही उसकी मनहूस शक्ल क्या देखते हैं? पूरे दिन इन्हें शिकार नसीब नहीं होता। दो दिनों से महाराज भूखे सो रहे हैं। आज उसे उसकी मनहूस शक्ल की सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मेरे बच्चे की शक्ल मनहूस नहीं है, उसे माफ कर दो। एक बार हमने जो कमिटमेंट कर दी तो कर दी, फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते। तुम्हारे बेटे की शक्ल मनहूस है तो है, और उसे इसकी सजा मिलेगी। और पूरे दिन मिस्टर और मिसेस लकड़बग्घा परेशानी में घूमते रहे। उन्होंने जाकर हाथी राज से मदद मांगी, पर हाथी राज ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने गेंडे से भी कहा, गेंडे ने भी शेर से पंगा लेने से मना कर दिया। कोई भी शेर राज के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं हुआ। दोनों हताश होकर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ पर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो उसका कारण पूछा। दोनों ने सारी बात कह सुनाई। सुनकर बंदर ने कहा, देखो लकड़बग्घे भाई, तुम तो क्या सारा जंगल जानते हैं। शेर राज से टकराना या उनके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देना है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथी राज और गेंडे ने कोई कोशिश नहीं की तो तुम क्या कोशिश करोगे भाई? तुम तो शेर के एक ही पंजे की शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलत फहमी है।
हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ छोटे दिमाग से भी होता है। और आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो सियार की कही बात याद आते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है सियार, उस लकड़बग्घे के बच्चे की शक्ल इतनी मनहूस है कि अगर 2 दिन और देख लिया तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। वही तो, इससे पहले कि आप मरे उसकी दावत उड़ा लो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? जिसे देखो वही कह रहा है शेर राज महाराज की शक्ल बड़ी मनहूस है। क्या? हाँ महाराज, इसलिए कुछ लोग तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल के राजा के अधीन होने जा रहे हैं। अबे पर कौन मर गया इनकी शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं इतने दिनों से लकड़बग्घे का बच्चा जिंदा था, 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राज की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वो मरने वाला है, अगर हम भी सुबह सुबह शेर राज की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। महाराज ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से जाएगी या आप इस जंगल में अकेले रह जाएंगे। तो अपनी सत्ता बचाने के लिए मैं क्या करूं बंदर स्वामी? महाराज उस लकड़बग्घे के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम भी दे दो। पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी कि देखो शेर राज की शक्ल कितनी शुभ है, सवेरे सवेरे लकड़बग्घे के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी, उसे ना सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेर राज की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने आएंगे। अबे क्या बक रहा है? बक नहीं रहा है, ये सही कह रहा है। हम शेर राज पूरे होशो हवास में ये घोषणा करते हैं कि मिस्टर एंड मिसेज लकड़बग्घे के बच्चे को ना सिर्फ जीवन दान दिया जाता है बल्कि आजीवन उसके खाने के लिए हमारी तरफ से भरपूर मांस भी दिया जाएगा। वाह महाराज, शेर राज महाराज की जय हो, शेर राज महाराज की जय हो। मिस्टर एंड मिसेज लकड़बग्घा, आज मेरी समझ में आ गया है कि मनुष्य शक्ल कोई नहीं होती, ये तो सिर्फ हमारा अंधविश्वास है जिसे हम अपना काम न पूरा होने पर किसी के प्रति पाल लेते हैं।